आज हम आ गए हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। तो ये है माइनक्राफ्ट 1.21 का न्यू स्नैपशॉट। इस स्नैपशॉट के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है और कुछ पुरानी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मॉडिफाई किया गया है। जैसे कि हमारा ये डेकोरेटिव पॉट, ये देखो ये हमको डेकोरेटिव पॉट मिल गया है। ये डेकोरेटिव पॉट के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो मैंने कुछ रेड स्टोनिंग की है पॉट के साथ लगाकर, सामने कुछ इस तरह से आपको रेड स्टोनिंग कर लेनी है, यहाँ तक बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं। और आपको इसको दिखाने के लिए मैं आप लोगों को ले लगाता हूँ यहाँ पर एक लैंप, कुछ लैंप यहाँ पर बिल्कुल लाइन से लगाता हूँ। अभी दिखाता हूँ कि ये पोर्ट क्या कर सकता है। तो आपको यहाँ पर लगा देना है, तो आपको इस कंपेटिटर को लगाने के बाद आपको कर देना है, आप इस पोर्ट के अंदर एक मैच के लिए ये बताना भूल गए थे, आप इस पोर्ट के अंदर बहुत सारे मतलब कि ब्लॉक्स को रख सकते हो, जैसे कि ये तो डायमंड, बट आप इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप के ब्लॉक रख सकते हो। जैसे कि कोई सा भी रैंडम ब्लॉक, कोई मतलब रैंडम आप कोई सा भी ब्लॉक रख सकते हो। ये जले क्यों नहीं, थोड़ी सी रेडस्टोनिंग करते फिर से, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और इस पोर्ट को तोड़ते हैं और इस पोर्ट को लगाते हैं यहाँ पर। देखो अभी ये बंद है, बट अगर मैं इसके अंदर अपना डायमंड डालूंगा या फिर आप डायमंड के अलावा कोई सा भी ब्लॉक या कोई से भी आइटम डाल सकते हो, बट वो एक जैसी होनी चाहिए। देखो भाई जैसे जैसे मैं इसके अंदर आइटम डालता जा रहा हूँ, देखो भाई ये आगे रेड स्टोनिंग को पास करता जा रहा है। जैसे देखो आगे, देखो एक और डाला, कुछ मैं जैसे डालते जा रहा हूँ, देखो रेड स्टोनिंग आगे बढ़ती जा रही है। ये मैंने कुछ और डाला, अगले वाला भी हमारा लैब एक्टिवेट हो चुका है और अगले वाला भी। हम इसके साथ बहुत ज़्यादा खतरनाक रेड स्टोनिंग भी कर सकते हैं और ये रेड स्टोनिंग की बहुत ज़्यादा काम होता है। ये वैसे कि ये रिलीज का न्यू स्नैपशॉट का चाहिए, सिर्फ इतना कुछ है, बट आगे क्या पता कि माइनक्राफ्ट के अंदर क्या आ जाए। देखो भाई कितना दूर तक रेड स्टोनिंग कर देख सकता है। और हम इसके अंदर एक कोई भी एक ब्लॉक से ज़्यादा मतलब 64 स्टैक्स से ज़्यादा हम कोई भी इसके अंदर सामान नहीं रख सकते। देखो अगर मैं इस डायमंड को फिर से इसके रखने की ट्राई करता हूँ तो मैं नहीं रख पा रहा, और ये देखो ये टूट गया और हमको 64 माई डायमंड्स भी वापस मिल चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा मस्त है। तो चलो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारा क्राफ्टिंग टेबल से रिलेटेड, ये हमारा ओल्ड क्राफ्टिंग टेबल नहीं। देखो हमारा ओल्ड क्राफ्टिंग टेबल देखने में कुछ ऐसा लगता है, बट माइनक्राफ्ट के अंदर एक न्यू क्राफ्टिंग टेबल ऐड हुआ है जिसका नाम है क्राफ्टर। ये है इसका नाम है क्राफ्टर। अबे सीधा प्लेस हो जाए, यहाँ से ब्लॉक तोड़ो। ये देखो ये दोनों ऊपर से देखने में बिल्कुल एक जैसे लग दिखते हैं, बट ये हमारा जो न्यू क्राफ्टर है ये यूज़ करता है रेड स्टोनिंग को, ये रेड स्टोन से एक्टिवेट होता है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमारा जैसे नॉर्मल क्राफ्टिंग टेबल है इसके अंदर हम कुछ नहीं, बट इस क्राफ्टर के अंदर ये देखो भाई हम किसी भी ब्लॉक को भाई डिसेबल कर सकते हैं और उस ब्लॉक के अलावा हम कोई भी ब्लॉक नहीं रख सकते, उस मतलब जो जिनको हम ब्लॉक में डिसेबल किया है। और हम इसके अंदर अगर कुछ रखते हैं तो हम उस सामान को मतलब उठा नहीं सकते, सिर्फ हम उस सामान को रेडस्टोन की मदद से इसके अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। तो चलो मैं कुछ ये देखो भाई अगर मैं बटन को पुश करता हूँ, ये देखो भाई इसके मुंह की बाहर से ये सामान को ड्रॉप करता है। चलो इसको उठाते हैं और इसको तोड़ते हैं, ये हमारा पुराना हो चुका है और इसके साथ कुछ रेडस्टोन करते हैं। मैंने इसके ऊपर हॉपर लगा दिया है और उसके अंदर सामान फेंक दिया है और उसके अंदर मैंने हमारी प्लैंक्स की रेसिपी डाली है। देखो दिखाता हूँ, ओ सॉरी रेसिपी थोड़ी सी गलत हो गई। सबसे पहले सारे के सारे सामान को उठाते हैं, इस आइटम ऊपर से सारे क्लॉक्स को और ये सारे लॉक्स को, और हम इसको सब कुछ को सबसे पहले ऑन करते हैं। देखो भाई अब मैं अगर इसके अंदर हमारे लॉक पर डालूंगी, देखो बिल्कुल लाइन से इसके अंदर आ जाए, देखो दो 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 बिल्कुल लाइन से रिपीट हो जाएंगे जब तक ये फुल नहीं हो जाता। तो सबसे पहले हमको ये सारे को बंद करना है, नहीं इसको उठाते हैं, इस सेंटर वाले को बंद करते हैं। तो ये देखो अगर मैं इसके अंदर बटन लगाऊंगा, ये सिर्फ प्लैक बनाकर हमको देगा, बट इसकी मदद से हम बहुत सारे अनलिमिटेड सामान बना सकते हैं और हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे नॉर्मली ये ऐसा सब कुछ वही मॉड के अंदर आता है, बट यार माइनक्राफ्ट ने इसको एक्चुअल में यार माइनक्राफ्ट का डाल दिया भाई, क्या मस्त है। बट अगर मैं इसके सामने हमारा चेस्ट लगाऊंगा, ये अब सामान है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रहा और ये सारा का सारा सामान इस चेस्ट के अंदर जा रहा है। मैंने सारा सारा उठा लिया। चलो भाई इसके साथ थोड़ी सी रेडस्टोनिंग करके दिखा दो, ये भाई बहुत ज़्यादा मस्त है। ये इसके लिए आपको फिर से आपको क्राफ्टर ये बताना मैं भूल ही गया कि इस क्राफ्टर को आप किसी भी डायरेक्शन के अंदर प्लेस कर सकते हो।
तो बस क्राफ्टर, उसके बाद कंपैरेटर और सारे सारे ब्लॉक को, ये देखो भाई जैसे जैसे हम ब्लॉक को एक्टिवेट मतलब के डीएक्टिवेट करेंगे तो ये देखो भाई हमारा कंपैरेटर है वो इनेबल हो जाता है। तो चलो रेडस्टोन करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 9, नहीं गलत है थोड़ा सा हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर ये 8 ब्लॉक है, ये सामने वाला 9 ब्लॉक है, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। बट अगर मैं इसके अंदर कुछ प्लैंक लगा लूँ, ओ हाँ ये प्लैंक को भी कंसीडर करता है एज ए मतलब के ब्लॉक की तरफ, ऐसे वो ब्लॉक ही है। तो इसके हम पे यहाँ पर लगाना है हमारा रिपीटर, और अगर मैं इसके अंदर अब इसको डिसेबल कर दूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर चेस्ट रख कर और इसके अंदर चेस्ट के अंदर डाल दूँ हमारे 64 लॉग्स, और ये देखो भाई हमारा रेडस्टोन नॉर्मल सा बनकर रेडी हो चुका है। ये देखो भैया इन्फानाइट टाइम हमको सामान देता रहे, और चेस्ट के सामने आप चेस्ट भी निकाल सकते हो। और ये देखो इसके तो भाई सारे सारे लॉग्स ख़त्म हो चुके हैं। ये देखो भाई ये जब तक ये एक्चुअली में एक रिपीटर का भी काम करता है, अभी ये यहाँ तक है टोटल 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ब्लॉक है, मैंने उसके अंदर 8 ब्लॉक को डिसेबल किया हुआ है। बट मैं अगर 9th ब्लॉक को भी डिसेबल कर दूँ, ये देखो भैया रेडस्टोनिंग करना चालू कर देता है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।